पाकिस्तान के लाहौर में आत्मघाती हमला, नवाज शरीफ के घर के पास हुआ बम विस्फोट, विस्फोट में 5 पुलिसकर्मी समेत 9 लोगों की मौत। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर लगे ड्रग तस्करी के आरोपों पर केजरीवाल ने मांगी लिखित माफी। शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया बोले, माफ किया। अररिया संसदीय सीट पर आरजेडी प्रत्याशी सरफराज आलम की जीत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा अररिया उपचुनाव के नतीजे देश के लिए खतरा, ये क्षेत्र बन सकता है आतंकवादियों का गढ़। दुमका कोषागार मामले में लालू यादव पर आने वाला फैसला शुक्रवार तक के लिए टला, याचिका पर फैसला आने के बाद ही होगी सुनवाई। लालू की तरफ से तत्कालीन एजी को आरोपी बनाने की है मांग चारा घोटाला मामले में। तिरुपति मंदिर पर चढ़े 25 करोड़ के पुराने नोट, नोटबंदी के बाद चढ़ाए गए 500 और 1000 के पुराने नोट, मंदिर प्रबंधक ने आरबीआई को पत्र लिखकर की नोट बदलने की मांग। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में थंबप्रिंट क्लोन बनाकर नकल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एसओजी ने गिरोह के 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, दूसरे व्यक्ति का थंब लगाकर दे रहे थे परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। यूपी की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर तंज कसा। गोरखपुर सीट पर जीत दर्ज कराने वाले प्रवीण निषाद के बारे में अखिलेश ने कहा कि वे सदन में गोरखपुर की उन मांगों की आवाज उठाएंगे जिन्होंने सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से अपने बच्चों को खो दिया था। इंजीनियर हैं, नौजवान हैं और ये सदन में जाएंगे, ये हमारी आपकी गोरखपुर की जनता की आवाज वहां रखेंगे। जो 5 बजटों में और 2 उत्तर प्रदेश के बजटों में वहां की जनता को कुछ नहीं मिला, जो बच्चे खोए गोरखपुर ने और आसपास के जिलों ने, जो माओं का दुख है, किसानों का दुख है, किसान जो इंतजार करता रहा कि हमारा कर्ज माफ होगा लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ, मां ने अपने बच्चे खो दिए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली उन्हें और उसमें भी राजनीति की। समाजवादियों ने तो हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया था, हमारे गांव घर की बात तो कहते हैं कि वहां पर वीआईपी जिले हैं, लेकिन सोचो ऐसी सरकार जिन्होंने अपने ही अस्पताल को पैसा नहीं दिया और जो समाजवादी सरकार ने अस्पताल बनाए थे वो आज भी अस्पताल वैसे ही खड़े हुए। चारा घोटाला से संबंधित RC-38 दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में गुरुवार को फैसले की तिथि निर्धारित थी, लेकिन लालू यादव के अधिवक्ता की तरफ से दायर किए गए पिटीशन ने इसका रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया, जिसे सुनवाई फैसले की बिंदु पर न होकर दायर पिटीशन पर हुई। इस दौरान CBI के अधिवक्ता ने न्यायाधीश शिवपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट के 9 महीने के अंदर जजमेंट देने के आदेश का हवाला देते हुए मामले पर फैसला सुनाए जाने का आग्रह किया। निर्धारित थी जिसका जजमेंट होना था, तो इसमें सुबह भी हम लोगों ने कहा था कि हम लोग के द्वारा एक पिटीशन दायर किया गया कोर्ट में जो सेकंड हाफ में आदेश के लिए रखा गया था, उस पर आंशिक सुनवाई होने के बाद न्यायालय का आखिरी निर्णय ये रहा कि इस पर अब कल बनाया जाए और उस पर आदेश हुआ था रिजवाइंडर फाइल करने के लिए CBI को। आज रिजवाइंडर आया और दोनों तरफ से बहस हुई है, आदेश को सुरक्षित रखा गया है और कल इस पर आदेश आएगा, उसके बाद तो फिर जजमेंट की डेट फिक्स की जाएगी। जजमेंट का नया डेट कल फिक्स होगा? हाँ, कल पता चलेगा। आप लोग की तरफ से क्या फाइल किया गया? हम लोग AG ऑफिस को के ऑफिशियल्स को जो CAG रिपोर्ट सबमिट किए हैं उनको भी इस केस में एक्यूज बनाने के लिए दिया, के लिए आवेदन दिया। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार से बीजेपी काफी चिंतित नजर आ रही है। शहरों की पार्टी कही जाने वाले उपचुनाव में शहरों में ही हारती नजर आई, ऐसे आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी अब रणनीति बनाने में जुट गई है।
उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी सदमे में है और उससे उभरने के लिए आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने में जुट गई है, जिसके तहत प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में नगर निकायों के सभापति और अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश ने बैठक में शहरों में पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की। इस दौरान यूडीएच विभाग में आ रही शिकायतों को लेकर मंत्री श्री चंद्र कृपलानी को भी बैठक में बुलाया गया। मंत्री कृपलानी ने कहा कि उपचुनाव में हमें जातीय समीकरणों की वजह से हार मिली है, सभी निकायों में विकास कार्य हुए हैं और आगामी विधानसभा चुनावों में मिशन 180 पूरा किया जाएगा। आज नगर पालिका नगर परिषद सबको, आज सभी के जो चेयरमैन इन सबको बुलाया था और उनको आगामी जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और इसके साथ साथ इनकी अपने नगर पालिका और नगर परिषदों में किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन है पार्षदों के साथ इनका, इस विषय में चर्चा की गई। सरकार के माध्यम से जो एडिशनल बजट नगर पालिका नगर परिषद ने दिया गया उनका प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन उनका हो जाए, इनकी कोई कुछ प्रॉब्लम्स है। पार्टी की राजस्थान की वसुंधरा जी की सरकार ने पिछले 4.25 वर्षों में शहरों में बहुत विकास के कार्य किए, चाहे वो शहरों में गौरव पथ बनाना हो, शहरों में अम्बेडकर भवन बनाने की घोषणा करनी हो, चाहे एलईडी लाइटें लगानी हो, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो हमारी सबसे सफल योजना है जो शहरों में चल रही हो, 4-4 करोड़ रुपए की, 8 करोड़ की, 20 करोड़, जयपुर में 100 करोड़, इस तरह शहरों में रोडों का विकास करने की सोच रही हो। मैं समझता हूँ जितना शहरों का विकास हमारी मुख्यमंत्री जी, कई कानूनी अड़चनें हमारे सामने आप सबको पता भी है, हमने मुख्यमंत्री जन शहरी कल्याण शिविर लगाया, हमने प्रयास किया कि उसके माध्यम से लोगों को राहत दे सके। हालांकि हमने 50-60 हज़ार पट्टे राजस्थान में दिए, लाखों लोगों को राहत भी मिली है। बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जहां आज नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद सदस्यों के साथ संवाद किया गया, वहीं शुक्रवार को जिला प्रमुख और पंचायती सदस्यों के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद अशोक परनामी ने बताया कि इस तरह की बैठकें कोऑर्डिनेशन के लिए हो रही हैं, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जा रही है। आपको नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र शहरों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश में जन जन की पार्टी बनी है। आपने देखा होगा पंचायत के चुनाव में हमने ऐतिहासिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, 163 प्रधान भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश में पहली बार चुन करके आए। आज तक कांग्रेस के भी 163 प्रधान कभी नहीं बने, सबसे ज्यादा प्रधान उनके 154 बने। फिलहाल बीजेपी को अब तक शहरी पार्टी के तौर पर मजबूत देखा जाता था, लेकिन उपचुनाव में मिली हार से पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन तैयारियों का असर क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से पिंटू सिंह नरूका की रिपोर्ट। एसओजी ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 में थंबप्रिंट क्लोन बनवाकर नकल करवाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। एसओजी को जानकारी परीक्षा में बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए अभ्यर्थियों के थंबप्रिंट क्लोन तैयार कर किसी दूसरे व्यक्ति के अंगूठे पर लगाकर परीक्षा दिलवाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर आईजी एसओजी दिनेश एमएन, डीआईजी संजय श्रोचित निर्देशन में पुष्पेंद्र सिंह एएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तो इन तीनों को ही हमने उस जगह से, परीक्षार्थी को तो सेंटर में से लाए जो कि दूसरा उसकी जगह परीक्षा दे रहा था इंपर्सोनेट करके, और इन दोनों को उस सेंटर के बाहर से हमने अरेस्ट किया, और जिससे पता चला कि इन लोगों ने इस तरह के लोगों को, परीक्षार्थियों को झांसे दिए हैं कि भाई तुम्हारी जगह आदमी परीक्षा दे के आएगा और इससे तुम पास हो जाओ, और इसके लिए उन्होंने उससे जो है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख इस तरह से पैसे भी लिए हैं। कुछ पैसे इन्होंने एडवांस लिए, कुछ पैसे ये कहा कि भाई जब बाद में रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद लेंगे।
राजधानी जयपुर में चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही शहर के आमेर में 17 मार्च से 26 मार्च तक रात्रिकालीन पर्यटन बंद रहेगा, जिसे लेकर जिला कलेक्टर सहित राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ महाजन ने आमेर स्थित शिला माता मंदिर में नवरात्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर उत्तर और पुलिस उपायुक्त यातायात को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। आमेर स्थित शिला माता मंदिर में नवरात्र के दौरान 17 मार्च से 26 मार्च तक धार्मिक कार्यक्रम और अन्य आयोजन होंगे, साथ ही इस दौरान दर्शनार्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मौके पर आवश्यक पुलिस और यातायात कर्मियों को तैनात किया जाएगा। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा कांग्रेस समर्थित धीरज साहू को अपना समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लिए सोचती है, यहां के आदिवासियों, किसानों, मजदूरों की बात नहीं सोचती, उनके हितों की अनदेखी करती है। यही वजह है कि जेवीएम ने विपक्ष समर्थित उम्मीदवार को अपना समर्थन करने की घोषणा की है। बीच में तफरका पैदा करवाने की उन्होंने कोशिश की और इसलिए आदिवासी जो सरना है और ईसाई है उनके बीच में झगड़ा हो, उसकी उन्होंने बहुत कोशिश की और उसको धर्म स्वतंत्र एक विधेयक भी उन्होंने पारित किया, लेकिन उसमें भी जब वो सफल नहीं हुए अब ये अनावश्यक ही मुद्दा बना है। पत्थल गाड़ी को खास करके रांची प्रमंडल में जो आदिवासी जो के लोग हैं, उरांव जाति के लोग हैं, वो जाति के लोग हैं, खड़िया जाति के लोग हैं, तो अपने गांव में एक तो गांव के सीमाना पर लोग पत्थर गाड़ी करते हैं। बिहार में अररिया लोकसभा और जहानाबाद विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में राजद को मिली सफलता से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। देवघर में पूर्व मंत्री और राजद नेता सुरेश पासवान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि जेल से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव द्वारा बिहार की जनता को लिखित संदेश भेजकर गरीबों, दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष में उनका साथ देने की अपील की थी। चुनाव परिणाम के जरिए बिहार की जनता ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। उन्होंने कहा कि इस परिणाम का असर झारखंड पर भी पड़ेगा। जनता ने आने वाले 2019 के आम चुनाव के लिए संकेत दे दिया है। आज हम लोग बधाई और यह जीत सिर्फ जीत ही नहीं, यह जीत जो है एक संकेत दिया है बिहार और झारखंड में जो है आने वाला समय पूरे देश पर जो है छाने का जो है काम किया जाएगा और खास करके बिहार और झारखंड पर यह असर जो है डालेगा 2019 में, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा संकेत है। यह हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने झूठा आश्वासन देने का काम किया, पूरे देश में जो है झूठा ही झूठा बोल करके लोगों को बरगलाने का काम किया, 15 लाख रुपया दे देंगे, नौकरी दे देंगे, पूरे देश को जो है स्वर्ग बना देंगे, आज जीएसटी और नोटबंदी कानून के तहत सारे लोगों को आज बर्बाद कर दिए हैं, जितने गरीब गुरवा दलित पिछड़े लोगों को जो है इन्होंने जो है आरक्षण खत्म करने का काम कर रहे हैं। भरतपुर के बयाना में मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन कस्बे के एसडीएम ऑफिस से शुरू होकर भीमनगर तिराहे पहुंची। उपखंड अधिकारी संतोष मीना ने फीता काटकर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन दौड़ में कुल 57 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 का आयोजन किया जा रहा है, इसमें दौड़ में जो प्रथम रहेगा उसको 2100 रुपये का आइटम दिया जाएगा, सेकंड रहेगा उसको 1100 रुपये का,
और जो थर्ड है उसको 500 रुपए का आइटम। बाड़मेर के बालूतरा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व विधायक मदन प्रजापत सभा को संबोधित करते नजर आए। कार्यक्रम में पूर्व एमपी हरीश चौधरी और सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। फलौदी में अहले सुबह अजीबो गरीब हुई बारिश ने लोगों को अचंभे में डाल दिया। यहां शहर के मालियों का पास स्थित 40 से 50 मकानों की छतों और आंगनों पर खून के छींटे देखे गए। आश्चर्यजनक बात यह रही कि बारिश के बाद लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कई लोग इस बारिश को दैविक चमत्कार भी मान रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि किसी बड़े पक्षी द्वारा मृत जीव को उठाकर ले जाते समय खून के छींटे मकानों की छतों पर गिरे। झारखंड राज्य के विभिन्न विभागों में 50% से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की कमी है। राज्य में सरकारी कर्मचारियों के कुल करीब 3,78,816 पद स्वीकृत हैं। इसके मुकाबले सिर्फ 2,16,935 सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। शेष 1,61,881 पद खाली हैं, जो कुल स्वीकृत पद का 42.73% कम है। यह आंकड़े सूबे के विकास की गंगा बहाने के सरकार के दावे पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। खाली सीट है, उनके भरने के लिए सरकार कई कार्रवाई कर रही है। कई बार लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं, उसके कारण से व्यवधान हुआ है। और पहले तो स्थानीय नीति घोषित नहीं हुई थी, इसलिए भी बहाली को लेकर अड़चन थी। सरकार ने स्थानीय नीति बनाया, उसके बाद काफ़ी बहालियाँ की गई हैं, मगर जो 48% सीट आप बता रहे हैं खाली है, उसको एक बार में नहीं भरा जा सकता है। क्योंकि एक बार भर देंगे सब तो आगे जाके एक ही बार सब रिटायर करेंगे, बीच में प्रमोशन का झंझट होगा। इसलिए सरकार एक तिहाई एक चौथाई करके धीरे धीरे बहाली करेगी, और ये प्रक्रिया आरम्भ भी किया गया है। और इससे प्रमोशन का भी उनका सिलसिला प्रभावित नहीं होगा, और जब रिटायर भी होंगे तो ऐसा नहीं कि एक ही साथ पूरा खाली हो गया। तो बार बार हर मंच से इसको उठाते रहे हैं। एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका के तहत हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो भी मंच होता है, ये बातें तमाम हम लोगों ने बार बार रखा है कि सरकार मात्र ढपोर संघ की घोषणा करती है, योजनाओं का चयन और उसके क्रियान्वयन में भारी अंतर दिखाई देता है। आप देखें कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो सदन। झारखंड के सत्ताधारी दल के दबंग विधायक साधु चरण के अस्पताल में भर्ती होने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विधायक को बचाने के चक्कर में अस्पताल में भर्ती करने के आरोप लग रहे हैं। ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक मारपीट कर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में विधायक बीमार हैं। जो प्रावधान है कि कोई भी आदमी होगा तो जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है वो उसको एमजीएम में ले जाना है, वहाँ पे इलाज नहीं हो तो फिर रिम्स में ले जाना है, एम्स में ले जाना है, या फिर रेफर करेगा तो, और फिर ये तो वो सब सारी चीज़ें थी। ये कहीं से रेफर नहीं करवाए, अपने मन से डीएमएच में एडमिट हो गया, और पुलिस अब भी वहाँ पर अपने ढंग से अरेस्टिंग शो की। केबिन में सारी सुविधा उपलब्ध है, टीवी से लेके एसी से लेके सारे। ये जेल और पुलिस कस्टडी में नहीं है, स्वतंत्र हैं और अपने ढंग से जेल का मजा लूट रहे हैं। पिछले बार भी इन्होंने लूटा था गुमराह करके, इस बार भी वो मेरा, और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत हुई है। यूपी के झांसी का एक अस्पताल ऐसा भी है जहां डॉक्टर और मरीज भूत के डर से जाने से डरते हैं, जिस कारण ये 5 साल से बंद पड़ा है। झांसी जनपद के बड़ा गांव ब्लॉक में करारी गांव में बना ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है, और इसके बंद होने की वजह भी बेहद अजीब है। यहाँ के ग्रामीणों के मुताबिक इस अस्पताल में भूत है। ग्रामीणों का दावा है कि यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, बल्कि एक महिला का तो दावा यह भी है कि उसने भूत को देखा है। भूतों के डर से
कोई भी ग्रामीण इलाज कराने के लिए नहीं जाता, डॉक्टर भी डर के चलते यहाँ नहीं आते हैं। बना था 2002 में, ये बीच बीच में खुलता रहा, बंद होता रहा, अभी 15 महीने करीब पक्के हैं उसके। भूत प्रेत की चर्चा करती हैं कि इसमें भूत रहता है, तो दवाइयाँ जो लाती हैं तो यहाँ वहाँ मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के हो जाती हैं। ये करीब वो 5-6 साल से नहीं खुला है। क्यों? ऐसे ही कोई डॉक्टर नहीं आते, एक दो बार आए भी हैं तो कहते हैं इधर भूत है, गेट खुलता है लगता है अपने आप, कांच आँच गिरते हैं खिड़कियों के। अच्छा, भूतों के डर से? हाँ, नहीं आते डॉक्टर। ना है एकदम फटकी लगती है खुल जाती है, सो जा से नहीं आते हैं। नहीं गिए, जब डांग धरी नहीं आते हैं तो किया जाए। कब से नहीं आ रहा डॉक्टर? बता, शिकायत भी करी नहीं आते। कब से नहीं आए? वो तो बिल्कुल ही नहीं आए। अच्छा, हाँ, डरते क्यों हैं लोग? अब का पता हमको। झांसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बात उन्होंने कभी नहीं सुनी। पिछले सीएमओ के टाइम से ही मतलब है दिक्कत उसमें, वहाँ पे कि ये एक अफवाह उड़ी थी कि उसमें भूत रहता है, प्रेत रहता है और दिक्कत होती है, तो वो एनएम नहीं रहती थी, तो वहाँ एनएम से पूछा गया तो उसने बहुत तकलीफें बताई कि साहब रास्ते में नाली पड़ती है, उसको पार करके जाना पड़ता है। फिलहाल उसको वहाँ से ये हुआ कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो उसने अपना वहाँ पे अपना सामान वामान शिफ्ट कर लिया, काम वाम कर रहे हैं, कर रही थी। अभी आप अभी नया बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों की बहुत समस्या है कि वो उसमें ताला डाला रहता है 24 घंटे। इससे पहले ये था कि वो अंबाबाई में एक जगह बैठ के देख लेते थे, लेकिन अब वो भी सिस्टम नहीं है इस वक्त जो भी वहाँ एनएम। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो वो जाती होगी, अपना करती है, दिन में करती होगी, रात का तो दिखवा लेंगे। आज के वक्त में भूत प्रेत जैसी बातों से डॉक्टर और मरीजों का डरना, ये बताता है कि 21वीं सदी में भी लोग अंधविश्वास से पार नहीं हो पाए हैं। अब देखना होगा कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र भूतों से निजात पाकर विकास की पटरी पर कब तक आता है। न्यूज इंडिया के लिए झांसी से अजय झा की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहें न्यूज इंडिया, नमस्कार।